नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन साथ जो निकल रही है रेलवे में, तो रेलवे में ये बड़ी भर्ती आई हुई है जिसमें किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा। तो क्या इसमें क्या योग्यता है, आपको कहाँ से अप्लाई करना है, क्या इसकी जॉब लोकेशन रहेगी, क्या इसका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो संपूर्ण डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में चलने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आज हम जिस रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं वही साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ये भर्ती आई हुई है। और अब बात कर लेते हैं कि क्या इसका ऑर्गेनाइजेशन नियम है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम है। और टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें आए 432 इसमें पोस्ट आए। और पोस्ट नेम जो है वो आपको बता दें कि कोपा की 86 है, स्टोनोग्राफ की 17 है, यानी कि इसमें स्टोनोग्राफर की 16 है और फिल्टर की इसमें 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रिक इसमें 40 पोस्ट है, वायरमैन की इसमें 40 पोस्ट, इलेक्ट्रिक मशीन की इसमें 5 पोस्ट है, रेक मशीन की इसमें 5 पोस्ट है, मोटर व्हीकल मशीन की 8 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक की 16 पोस्ट है, वेल्डर की 40 है, प्लम्बर की 10 है, मेसन की 10 है, पेंटर की 10 है, कारपेंटर की 10 है और ड्रॉक्समैन सिविल की 5 है और मेच की 4 है और मशीनिस्ट की 10 है, टर्नर की 10 है, सर्वर की 10 है, सीट मेटल वर्कर की 10 है। और क्वालिफिकेशन बात करें 10+2 होना अनिवार्य है और साथ में ITI भी हो तो इसमें अनिवार्य है। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी वो रहेगी छत्तीसगढ़ रहेगी, एग्जाम सेंटर भी छत्तीसगढ़ रहेगा। एज लिमिट है वो 15 से 24 ईयर्स आपकी एज लिमिट होना अनिवार्य है। यदि ये आपकी एज लिमिट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते। एप्लीकेशन मोड की बात करें ऑनलाइन होगा, स्टार्टिंग जो डेट है वो 1/7/2018 और जो इसके लास्ट डेट है वो 31/7/2018। और फीस की बात करें तो सभी कैंडिडेट की इसमें फॉर्म फीस फ्री है। और अप्लाई करना है तो अप्लाई आप छत्तीसगढ़ से इसको अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो मेरिट के आधार पर ये होगा। तो कहाँ से आप अप्लाई करना है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको अप्लाई कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।